लोगों से घरों में रहने के लिए अपील कर रही है। वहीं काफी समझाने के बावजूद ना मानने वालों को पुलिस अपना डंडा चलाने पर भी गुरेज नहीं कर रही है। सरकार से लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस जहां लोगों को घरों में रहने के लिए प्रयासरत है, वहीं कुछ अनावश्यक रूप से घूमने वाले समाज के दुश्मन के रूप में सामने आ रहे लोगों से पुलिस अब सख्ती करते हुए नजर आने लगी है। थाना प्रभारी दीपक मिश्र की अगुवाई में जिले से आए पीएसी बल और स्थानीय पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते हुए नगर में अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को पकड़कर पूछताछ की गई। बिना कारण बाहर निकले लोगों से पुलिस ने दंड बैठक भी करवाई। लोगों को काफी बार समझाया जा चुका है कि घर से बाहर ना निकलें, लेकिन कई लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने अपने डंडे को भी ऐसे अराजक लोगों के लिए तैयार कर लिया है। न्यूज बीके भी सभी नगरवासियों से लगातार अपील कर रहा है कि कोरोना संक्रमण कोई मामूली संक्रमण नहीं है, इसको मजाक में ना लें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। देश में लागू जिस प्रकार से लॉकडाउन किया गया है कोरोना संक्रमण को लेकर, जिस प्रकार से कोरोना डाउन किया गया है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। बरुआ सागर थाना प्रभारी, जिला प्रशासन, सभी अपने सहयोग से जिला प्रशासन से हर प्रकार से अपील कर रहा है, मुनादी पिटवा रहा है कि लोग अपने घर पर लॉकडाउन का पालन करें। जिस प्रकार से बरुआ सागर थाना प्रभारी ने पीएससी बल बुलाया हुआ है, जो समाज के दुश्मन हैं उनको समझाने के लिए लोगों को मजबूर करना पड़ रहा है, पीएससी बल बुलाया गया है। अब देखते हैं बरुआ सागर थाना प्रभारी द्वारा जिस प्रकार से फारी पुलिस पर लगातार गश्त किया जा रहा है कि अब लोग कितना घर के अंदर रह पाते हैं। न्यूज बीके भी इस प्रकार के लोगों, बरुआ सागर के लोगों से, नगरवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन को देखते हुए, एक वैश्विक बीमारी है, इसके देखते हुए लोग अपने घरों के अंदर रहें, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। न्यूज बीके से बरुआ सागर के लिए आनंद मोदी। एजुकेशन विद मोरल वैल्यूज, द ओनली इंस्टीट्यूशन विद ऑल लेटेस्ट फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, एयर कंडीशन हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, the best educational institute in the area, the Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.